शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अब आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर महाभारत के परमवीर और पराक्रमी योद्धा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित और परीक्षित के पुत्र महाराजा जनमेजय सिंह तोमर का वंशज और महाभारत के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट दिल्लीपति महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर में यहाँ माँ भवानी हमारी कुलदेवी योग माया योग माता योग निद्रा के स्वरूप माँ महाकाली और महाकाली में से भी अन्य देवियाँ प्रकट हुई। योग निद्रा, योग माया, आदि शक्ति, उनमें से माँ महाकाली का प्राकट्य हुआ और उनके दक्षिण काली कवच का हम यहाँ आज उच्चारण कर रहे हैं। ये उसी अर्जुन का स्वर है जो महाभारत के मैदान में गूंजा, उसी का अंश और उसी का वंश। ये आज दक्षिण काली कवच का हम उच्चारण यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। सबकी रक्षा करें माँ, सबका कल्याण करें, सबके शत्रुओं का विनाश करें, इसी कामना के साथ क्रीम 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 ब्रीम ब्रीम हुम हुम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ब्रीम ब्रीम हुम हुम स्वाहा। क्रीम 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 ब्रीम ब्रीम हुम हुम दक्षिणे कालिके क्रीम 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 ब्रीम ब्रीम हुम हुम स्वाहा। जय श्री योग माया, जय श्री योग माता, जय श्री योग निद्रा, जय भवानी। दक्षिण कालिका कवच का पाठ, सभी विघ्नों को नष्ट करने वाला, इसका साधक दीर्घायु हो जाता है तथा सर्व इच्छा सिद्धि की प्राप्ति होती है। उसे किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से घाव नहीं लगता। यह दुर्लभ कवच अत्यंत प्राचीन उत्तर तंत्र नामक ग्रंथ में उपलब्ध है और इसकी ख्याति हेतु विनाशक कवचों में मानी जाती है। यह शत्रु विनाशक कवच है
और शत्रु विनाशक कवच के रूप में प्रसिद्ध है। और ये काली जी का काफ़ी ख्याति प्राप्त कवच है, लेकिन दुर्लभ है, उपलब्धता इसकी नहीं हो पाती है। हम यह इसका उच्चारण कर रहे हैं, जय माँ भवानी। कैलाश शिखरारूढ़ं भैरवं चंद्रशेखरं वक्षस्थले समासीना भैरवी परिप्रक्षति देवेश परमेशान लोकानुग्रह कारक कवचं सूचितं पूर्वं किमर्थं न प्रकाशितं यदि मे महति प्रीतिस्तवास्ति कुल भैरव कवचं दक्षिणकालिका कवच स्वानुकंपया। इसके बाद भैरव बोले, भैरववाच, अप्रकाश्यमिदं देवी नरलोके विशेषतः लक्षवारं वारिता असि स्त्री स्वभावाद्धि प्रक्षसि। तब देवी बोली भैरवी, सेवका बहे वो नाथ कुलधर्म परायणा यतस्ते त्यक्त जीवाशा शवो परिचितो परा तेषां प्रयोग सिद्ध्यर्थं स्वरक्षार्थं विशेषतः प्रक्षामि बहुशो देव कथयस्य दयानिधि। तब भैरवी की ये बात सुनकर के भैरव बोले कि देवी ने जब ये कहा तब भैरव ने उत्तर दिया, कथयामि शृण प्राज्ञे कालिका कवचम परम गोपनीयम पशुरज्ञे स्वयोनिम परे यथा। कथयामि शृण प्राज्ञे कालिका कवचम परम गोपनीयम पशुरज्ञे स्वयोनिम परे यथा। अब इस कवच का विनियोग है, उस विनियोग का मंत्रोच्चारण हम यहां कर रहे हैं। ओम अस्य श्री दक्षिणिका दक्षिण कालिका कवच से भैरव ऋषि उष्णिक छंदा अद्वैत रूपिणी श्री दक्षिण कालिका देवता ह्रीम बीजम ह्रूम शक्ति क्रीम कीलकम सर्वसाधन पुरसर मंत्रो सिद्धो विनियोग। अब इस कवच का ऋषादिन्यास है, तो ऋषादिन्यास का हम यह उच्चारण कर, श्री भैरव ऋषि नम शिषि उष्णिक छंदसे नम मुखे अद्वैत रूपिणी दक्षिण कालिका देवताये नम हृदय ह्रीम बीजाय नम गुह्ये ह्रूम शक्तये नम पादयो क्रीम कीलकाय नम सर्वांगे साधन पुरसर मंत्र सिद्धो विनियोगाय नम अंजलौ। आप कवच का उच्चारण कर रहा हूं, जो कवच है मुख्य, अब उस कवच का उच्चारण कर रहे हैं। सहस्रोर महापद्मे कर्पूर धवलो गुरु बामोरु स्थित तक शक्ति सदा सर्वत्र रक्षतु परमेश पुरापातु परापर गुरु इस्तथा परमेष्ठिम गुरु पानु दिव्य सिद्धिश्च मानव माधवी महादेवी सदा पातु महादेव सदा अवतु त्रिपुरो भैरव पातु दिव्य रूप धर सदा ब्रह्मानंद सदा पातु पूर्ण देव सदा अवतु चलिश्चित्त सदा पातु चेलांश त्वश्य मा पातु मा कुमार क्रोधनश्चैव वरद स्मरदीपन माया मायावती चैव सिद्धदा पांतु सर्वदा विमलो कुशलश्चैव भीमसेन सुधारक मीन गौरकश्चैव भोजदेव प्रजापति। विमलो कुशलश्चैव भीमसेन सुधारक मीन गौरक्षकश्चैव भोजदेव प्रजापति।
मूल देवो रंति देवो विप्रेसर हुताशन। मूल देवो रंति देवो विघ्नेश्वर हुताशन। मूल देवो रंति देवो विघ्नेश्वर हुताशन। संतोष समयानंद पातु माम मानवा सदा। सर्वेप्यानंद नाथांता अम्बांता मातर क्रमात। गणनाथ सदा पातु भैरव पातु माम सदा। बटकुन सदा पातु दुर्गा माम परिरक्षतु। शिरस पाद पर्यंतम मातु माम घोर दक्षिणा। तथा शिरसि माम काली हृद मूले च रक्षतु। संपूर्ण विधिया देवी माम सर्वत्र रक्षतु। क्रीम 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 वदने पातु हृदय हूं हूं सदा अवतु। ह्रीं ह्रीं पातु सदा आधारे दक्षिणे कालिके हृदय। क्रीम 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 पातु मे पूर्वे हूं हूं दक्षे सदा अवतु। ह्रीं ह्रीं मां पश्चिमे पातु हूं हूं पातु सदा उत्तरे। पृष्ठे पातु सदा स्वाहा मूला सर्वत्र रक्षतु। षडंगे युवती पातु षडंगेषु सदैव माम। मंत्रराज सदा पातु ऊर्ध्वार्दो दिग्विदिक् स्थितः। चक्रराजे स्थिताश्चापि देवता परिपान्तुमा। उग्रा उग्र प्रभा दीप्ता पातु पूर्वे त्रिकोणके। नीला घना बलाका च तथा अपर त्रिकोण के। मात्रा मुद्रा मिता चैव तथा मध्य कोण के। काली कपालिनी कुल्ला कुरकुल्ला विरोधिनी बहि षटकोण के। पांतु विप्रचित्ता तथा प्रिय सर्वा श्यामा खड़ग। धरा वाम हस्तेन तर्जना ब्राह्मी पूर्वे दले पातु नारायणी तथाग्निके। माहेश्वरी दक्ष दले चामुंडाय राक्षसे अवतु। कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये चापराजिता। वाराही चोत्तरे तु पातु नारसिंहो शिवे अवतु। ऐं ह्रीं असितांग पूर्वे भैरव परिरक्षतु। ऐं ह्रीं रुरुष्याग्निः कोणे। ऐं ह्रीं चंडस्तु दक्षिणे। ऐं ह्रीं क्रोधो नैरत्ये अध्यात। ऐं ह्रीं उन्मत्तक स्थथा पश्चिमे। ऐं ह्रीं माम कपाली वायुकोणके। ऐं ह्रीं भीषणाख्यश्च उत्तरे अवतु भैरव। ऐं ह्रीं संहार ऐशान्यां मातृगण मातृ मातृण गमंकगा शिवा। ऐं ह्रीं संहार ऐशान्यां मातृण मंकगा शिवा। ऐं हेतुको बटुक पूर्वदले पातु सदैव माम। ऐं त्रिपुरांतको बटुक आग्नेयां सदा अवतु। ऐं वन्यवेतालो बटुको दक्षिणे मा सदा अवतु। ऐं अग्निजिव्य बटुको अव्यात नैरत्यां पश्चिमे तथा। ऐं काल बटुक पातु ऐं कराल बटुक स्तथा। वायव्याम ऐं एक पातु उत्तरे बटुको अवतु। ऐं भीम बटुक पातु ऐं कराल बटुक स्तथा। वायव्याम ऐं एक पातु उत्तरे बटुको अवतु। ऐं भीम बटुक पातु ऐशान्यां दिशि माम सदा। ऐं ह्रीं ह्रीं हूं फट स्वाहांतु चतुः षष्टि मातरः। ऊर्ध्वार्द्वो दक्ष वामाग्रे पृष्ठ देशे तु माम मातु माम। ऊर्ध्वार्द्वो दक्ष वामाग्रे पृष्ठ देशे तु मातु माम। ऐं हूं सिंह व्याघ्रमुखी पूर्वे माम परिरक्षतु। ऐं क्रां क्रीं सर्पमुखी अग्निकोणे सदावतु। ऐं मां मां मृगमेषमुखी दक्षिणे मा सदावतु। ऐं चौं चौं गजराजमुखी नैरत्या मा सदावतु। ऐं मैं मैं विडालमुखी वश्प
पश्चिमे पातु माम सदा। एम होम सिंह व्याघ्र मुखी पूर्वे माम परिरक्षतु। एम काम कीम सर्प मुखी अग्निकोणे सदा अवतु। एम माम माम मृग मेष मुखी दक्षिणे मा सदा अवतु। एम चौम चौम गजराज मुखी नैऋत्यां मा सदा अवतु। एम मैं मैं विडाल मुखी पश्चिमे सदा माम सदा। एम मैं मैं विडाल मुखी पश्चिमे पातु माम सदा। एम खौम खौम क्रोष्टु मुखी वायु कोणे सदा अवतु। एम हाम हाम ह्रस्व दीर्घ मुखी लंबोदर महोदरी पातु मामुत्तरे कोणे। एम ह्रीं ह्रीं शिव कोण के हिरस्व जंग ताल जंग प्रलंबोष्ठी सदा अवतु। एता शमशान वासिन्यो भीषणा विकृतनाना पांतु माम सर्वदा देव्या साधकाभीष्ट पूरिका। इंद्रो माम पूर्वतो रक्षेदाग्ने याग्मग्नि देवता। इंद्रो माम पूर्वतो रक्षे दाग्ने याग्मग्नि देवता। दक्षे यम सदा पातु नैरित्याम नैरित्यस्य माम। वरुणो अवतु माम पश्चात वायुर्माम वायव्ये अवतु। कुबेरश्चोत्तरे पायात ऐशान्याम तु सदाशिव। ऊर्ध्वं ब्रह्मा सदा पातु अधश्चानंत देवता। पूर्वादिक स्थिता पातु वज्राधा शायुधाश्च माम। पूर्वादिक स्थिता पातु वज्राधाश्च यदाश्च मा। कालिका अवतु शिरसे हृदये कालिका अवतु। आधारे कालिका पातु पादयो कालिका अवतु। दिक्षु माम कालिका पातु विदिक्षु कालिका अवतु। ऊर्ध्वं मे कालिका पातु अधश्च कालिका अवतु। चर्मास्रंग मास मेदास्ति मज्जा शुक्राणि मे अवतु। इंद्रियाणि मनश्चैव देहं सिद्धिं च मे अवतु। आकेशात् पाद पर्यन्तं कालिका मे सदा अवतु। व्यति कालिका पातु पाथि मां कालिका अवतु। शयने कालिका पातु सर्व कार्येषु कालिका। पुत्रान् मे कालिका पातु घने मे पातु कालिका। यत्र मे संशया विष्टाता नश्यन्तु शिवाज्ञया। इतीदं कवचं देव ब्रह्मलोके अपि दुर्लभम्। इस कवच का मैं पुनः उच्चारण कर रहा हूं, उसके उपरांत इसकी फलश्रुति का कथन करेंगे। तो इस कवच का एक बार पुनः उच्चारण कर रहे हैं, जिससे इसकी आवृत्ति आप दोहरा सकें या पूर्ण कर सकें। जितनी ज़्यादा संख्या में इसको जपा जाएगा या सुना जाएगा उतना ये ज़्यादा फलदायी होता है। ओम सहस्रोर महापद्मे कर्पूर धवलो गुरु बामोरो स्थित तक्षक्ति सदा सर्वत्र रक्षतु। परमेश पुरापात परापर गुरु स्थिता परमेष्ठिम गुरु पानु दिव्य सिद्धिश्च मानव। महादेवी सदा पातु महादेव सदा अवतु। त्रिपुरो भैरव पात दिव्य रूप धर सदा। ब्रह्मानंद सदा पातु पूर्णदेव सदा अवतु। चलिश्चित्त सदा पातु चेलांश्च च पातु माम। कुमार क्रोधनश्चैव वरद स्मरति दीपन। माया मायावती चैव सिद्धदा पांतु सर्वदा। विमलो कुशलश्चैव भीमसेन सुधारक। मीन गौरक्षकश्चैव भोजदेव प्रजापति। मूलदेवो रंतिदेवो विघ्नेश्वर हुतासन। संतोष समयानंद पातु माम मानवा सदा। सर्वेप्यानंद नाथांता अम्बांता। मातरह क्रमात् गणनाथ सदा पातु भैरव पातु माम सदा। बटकोन सदा पातु दुर्गा माम परिरक्षतु। शिरस पाद पर्यंतं पातु माम घोर दक्षिणा। तथा शिरस माम काली हृदमूले च रक्षतु।
संपूर्ण विद्या देवी माम सर्वत्र रक्षतु। क्रीम 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 वदने पात हृदय हूं हूं सदावतु। ह्रीं ह्रीं पात सदा आधारे दक्षिणे कालिके हृदय। क्रीम 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 पात मे पूर्वे हूं हूं दक्षे सदावतु। ह्रीं ह्रीं माम पश्चिमे पात हूं हूं पात सदा उत्तरे। पृष्ठे पात सदा स्वाहा मूला सर्वत्र रक्षतु। षडंगे युवती पात षडंगेषु सदैव माम। मंत्र राजः सदा पात ऊर्ध्वार्धो दिग्विदिक स्थिता। चक्र राजे स्थिताश्चापि देवता परिपान्तु माम। उग्रा उग्र प्रभा दीप्ता पात पूर्वे त्रिकोणके। नीला घना बाला काच तथा अपर त्रिकोणके। मात्रा मुद्रा मित्ता चैव तथा मध्य कोणके। काली कपालिनी कुल्ला कुरकुल्ला विरोधिनी वह षटकोण के पात विप्रचित्ता तथा प्रिय। सर्वाश्यामा खड़ग धरा वाम हस्तेन तर्जना। ब्राह्मी पूर्वे दले पात नारायणी तथाग्नि के। माहेश्वरी दक्ष तले दक्षे दले चामुंडा राक्षसे अवतु। माहेश्वरी दक्ष दले चामुंडा राक्षसे अवतु। कौमारी पश्चिमे पात वायव्ये चापराजता। कौमारी पश्चिमे पात वायव्ये चापराजिता। माहेश्वरी दक्ष दले चामुंडा राक्षसे अवतु। कौमारी पश्चिमे पात वायव्ये चापराजिता। वाराही चोत्तरे पात नारसिंहे शिवे अवतु। ऐं ह्रीं असितांग पूर्वे भैरव परिरक्षतु। ऐं ह्रीं रुरुष्याग्नि कोणे। ऐं ह्रीं चंडस्तु दक्षिणे। ऐं ह्रीं क्रोधो नैरत्ये अध्यात। ऐं ह्रीं उन्मत्तक स्थिता पश्चिमे। ऐं ह्रीं माम कपाली वायुकोणके। ऐं ह्रीं भीषणाख्यश्च उत्तरे अवतु भैरव। ऐं ह्रीं संहार ऐशान्यां मातु ण मंकगा शिवा। ऐं हेतु को बटुक पूर्व दले पातु सदैव माम। ऐं त्रिपुरांतको बटुक आग्नेयां सदावतु। ऐं वन्यवेतालो वटको दक्षिणे मा सदावतु। ऐं अग्निजिव्य वटको अव्यात नैरत्यां पश्चिमे तथा। ऐं काल बटुक पातु ऐं कराल बटुक स्तथा। वायव्याम एम एक पात उत्तरे बटुको अवतु। एम भीम बटुक पात एम कराल बटुक स्थिता। वायव्याम एम एक पात उत्तरे बटुको अवतु। एम भीम बटुक पात ऐशान्याम दिशि माम सदा। एम ह्रीं ह्रीं हूं फट स्वाहांत शत्तु षष्टि मातर। ऊर्ध्वार्धो दक्ष वामाग्रे पृष्ठ देशे तु मातु माम। ऐं हूं सिंह व्याघ्रमुखी पूर्वे माम परिरक्षतु। ऐं काम कीम सर्पमुखी अग्निकोणे सदावतु। ऐं माम माम मृग मेषमुखी दक्षिणे मा सदावतु। ऐं चौम चौम गजराजमुखी नैरत्यां मा सदावतु। ऐं मैं मैं बिडालमुखी पश्चिमे पातु माम सदा। एम खौम खौम क्रोष्टुमुखी वायुकोणे सदावतु। एम हाम हाम ह्रस्व दीर्घमुखी लंबोदर महोदरी पात माम उत्तरे कोणे। एम ह्रीं ह्रीं शिव कोणके। हिरस्व जंग ताल जंग प्रलंबोष्ठी सदावतु। एता शमशानवासिन्यो भीषणा विकृतनानना। पांतु माम सर्वदा देव्या साधका भीष्ट पूरिका। इंद्रो माम पूर्वतो रक्षेदाग्नेया मग्नि देवता। दक्षे यमः साधु सदा पातु नैरत्याम नैरितस्य माम। वरुणो अवतु माम पश्चात वायुर्मा वायव्ये अवतु। कुबेरेश्चोत्तरे पायात ऐशान्याम तु सदाशिव। ऊर्ध्वं ब्रह्मा सदा पातु अधश्चानंत देवता। पूर्वादिक स्थिता पातु वज्रधाया वज्रधाश्याया युधाश्च माम।
पूर्वाधिक स्थितापात वज्राधाश्चायुधाश्च माम कालिकावतु शिरसे हृदये कालिकावतु आधारे कालिकापातु पादयो कालिकावतु दिक्षु माम कालिकापातु विदिक्षु कालिकावतु ऊर्ध्वं मे कालिकापातु अधश्च कालिकावतु चर्मा श्रृंग मास मेधास्ति मज्जा शुक्राणि मे अवतु इंद्रियाणि मनश्चैव देहं सिद्धिं च मे अवतु आकेशाद पाद पर्यन्तं कालिका मे सदा अवतु वियति कालिका पातु पाथि मां कालिका अवतु शयने कालिका पातु सर्व कार्येषु कालिका पुत्रान मे कालिका पातु घने मे पातु कालिका यत्र मे संशया विष्टाता नश्यन्तु शिवाज्ञया इतीदं कवचं देवि ब्रह्मलोके अपि दुर्लभम्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। अब हम इसकी फलश्रुति का कथन करेंगे, इस कवच की का। तो इसकी फलश्रुति है, तव प्रीत्या मया ख्यातं गोपनीयं स्वयोनिवत तव नामने स्मृते देवि सर्वयज्ञ फलं लभेत सर्व पाप शतम यान्ति वांछाम सर्वत्र सिद्धयति। तव प्रीत्या मया ख्यातं गोपनीयं स्वयोनिवत तव नामनि स्मृते देवि सर्वयज्ञ फलं लभेत सर्व पाप शतम याति वांछाम सर्वत्र सिद्धयति। नामना शतगुणं स्तोत्रं ध्याना तस्माक्षताधिकं तस्माच्छताधिको मंत्र कवचं तक्षाधिकं शुचि सम्मोहितो भूत्वा भक्ति श्रद्धा समन्वित संस्थाप्य वाम भागे तु शक्तिं स्वामी परायणं रक्त वस्त्र परिधानां शिव मंत्र धराम शुभाम या शक्ति सा महादेवी हर रूपश्च साधक अन्योन्य चिंतनाद देवी देवत्वमुपजायते शक्तियुक्तो यजेत देवी चक्रे वाम मनसापि वा भोगैश्च मधु भोगैश्च मधुपर्का दयस्ताम्बूलैश्च सुवासितै ततश्चु कवचं दिव्यं पठेदेक मना प्रिये तस्य सर्वार्थ सिद्धि स्थान्नात्र कार्य विचारणा इदं रहस्य परमं परम स्वइष्टयनं महत यः सुकृतु पठेत् देवि कवचं देव दुर्लभम् सर्वयज्ञ फलं तस्यं भवेदेव न संशय संग्रामे च जयेत शत्रून् मतांगानिव केसरी नास्त्राणि तस्य शस्त्राणि शरीरे प्रवन्ति च तस्य व्याधि कदाचित् न दुःखं नास्ति कदाचन गतिस्थैव सर्वत्र वायुतुल्य सदा भवेत् दीर्घायु काम भोगीशो गुरुभक्त सदा भवेत् अहो कवच महात्म्यं पाठमानस्य नित्यश बिनापि नयन योगेन योगीश क्षमतां व्रजेत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं 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 पुनः न शक्रोमि प्रभावं तु कवचास्य वर्णितुम्। क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे।